ये खानदान ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी, इसलाहुद्दीन ओवैसी की औलाद, या अब्दुल्लाह ओवैसी का खून है। हमने कभी बेईमानी नहीं, हमने ईमानदारी से काम किया, लेकिन जब दुनिया ने हमारी दीयानत और हमारी ईमानदारी पर उंगली उठाई तो यही वो सलाहुद्दीन ओवैसी था जिसने मक्का मस्जिद के मिंबर रसूल पर अल्लाह के कलाम का सर पर रखकर अल्लाह की जब्बारियत व फ़ालियत को आवाज कर कहा कि अल्लाह तुझे वास्ता तेरी जब्बारियत व फ़ालियत का, अगर मैंने बाबरी मस्जिद का सौदा किया है या जिंदगी में एक पैसा हराम खाया है तो अल्लाह तुझे तेरी जब्बारियत व फ़ालियत का वास्ता, तू मुझे और मेरी आम औलाद को तमाम नाराज कर। उस दयानतदार बाप के बेटे का नाम असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। बड़ी तकलीफ होती है जब लोग कहते हैं कि हम उनकी दीन की दीन, अरे हम तो अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है, हम उनकी दीन में से किसी और की दीन के नहीं है। जंगलों को रुख कर लेंगे, पत्तों और जड़ों को खा के जी लेंगे, इन गलों में सांपों को पहना लेंगे, इन हथेलियों में बिच्छुओं को पाल लेंगे। खुदा की कसम, अल्लाह उसके रसूल की कसम, खानदाने ओवैस अल्लाह के घर को शहीद करने वाले, अल्लाह की घर की जगह पर अपने इबादतगाह को बनाने वाले, हमारे खून हमारे बस्तियों को जलाने वालों के साथ ही हम कभी नहीं हो सकते, हम कभी नहीं हो सकते, हम कभी नहीं हो सकते। अरे दिल को तकलीफ होती है अगर अब्दुल बहाद ओवैसी 60 बरस पहले इंतखाब न लड़ते तो मजलिस होती, सलाहुद्दीन ओवैसी अगर इंतखाबात न लड़ते, MP न बनते तो मेडिकल कॉलेज होता, अरे ये दो लोग कुर्बानी ना देते तो शायद आज हम जहां बैठे हैं ये इमारत भी। उनकी ईमानदारी, उनकी दयानत है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की निशस्त क्या पहले इलेक्शन में जीत गए या बुजुर्ग है? अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब भी MP इलेक्शन लड़े थे, मालूम आपको? अब्दुल वाहिद ओवैसी भी पार्लियामेंट इलेक्शन में हारे, सालार भी लड़े हारे और दूसरे लोग भी लड़े हारे, और फिर 83-84 के वक्त सालार पहली मरतबा जीते, उस वक्त भी लोग बोले इनके एजेंट उनके एजेंट, क्या जरूरत, क्या हमारी जान जान गई, क्या हमारे मैयतों के रोने वाले नहीं, क्या हमारे बीवी नहीं, हमारे बच्चे नहीं, मुझे गोलियां मारी गई, मेरे भाई को उत्तर प्रदेश में गोलियां मारी गई और वो चलती हुई गोलियों पर भी बता, अगर लग जाती तो तुमको गलत नहीं होता, खुदा ना खास्ता मेरा भाई अगर गोली लग जाती और वो सीरियस हो जाता तो क्या उस वक्त तुम यकीन करते कि बेशक ये ईमानदार है? क्या हो गया है कौन को, क्या हो गया है, क्या हमारा घर नहीं, क्या हमारे बच्चे नहीं, क्या हमारे जनाबों पर रहने वाली हमारी मां नहीं, क्या हमारी मैयत पर रहने वाले हमारे मासूम बच्चे नहीं, क्या बताओ क्या हमारी जान जान नहीं? अरे मेरा सदर, मेरा भाई अपनी जान की परवाह किए बगैर निकल पड़ता है किसके लिए? आपके व्यवहार के लिए, मुसलमानों की इज्जत के लिए, मुसलमानों की हक के लिए, उनकी आवाज बन के ललकारता है अधिकार को, तो क्या ये गुनाह है? मैं खुदा का आपसे कह रहा हूं, अपने मौसिनों को पहचानो, खुदा अपने मौसिनों को पहचानो। लोग आएंगे बातें करेंगे चले जाएंगे, मंजिले से बात करने वाली नहीं, काम करने वाली की बात करनी। अरे ऐसा काम कर लो, अकबर ओवैसी को हराना है जरूर करो, अकबर ओवैसी से मुकाबला करना है जरूर करो, जमहूरियत की खूबसूरती और हर एक कहा था, लेकिन मैं ये कहूंगा
अकबर और ऐसी 14 इमारत बनाया है, तुम कम अज कम 4 बना के हम का फायदा करो ना, कॉम्पिटिशन इसमें करो। एक अगर गाली देता है तो दूसरा ज्यादा गाली देता है, एक अगर नए इल्जाम लगाता तो दूसरा उससे ज्यादा इल्जाम लगाओ भाई, जरूर लगाओ। मैं इतने बनाए, आप 4 बनाओ, आप 4 बनाए तो मैं और 14 बनाऊंगा, इसमें हम का फायदा है ना। गाली देने से, तनकीद करने से, इल्जाम लगाने से क्या फायदा। लेकिन ये लोग करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ इल्जाम लगाएंगे, मिल्लत के सफों से इत्तेहाद का खात्मा करने के मंसूबे बनाते, हर एक को अल्लाह ने एक खादियत से नवाजा, अब अल्लाह ने मुझे एक खतीब बना, शायद जो मैं नहीं मानता कई लोग बोल, तो अब आप बोलो अगर तकरीर करना अल्लाह ने मुझे